अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ। हम बताएंगे कि चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त मेन जौहर अंडरपास के पास खड़ा हुआ हूँ। ये रास्ता पहलवान कोट और आबे सिटी की तरफ जाता है। यहाँ पे इस वक्त एक पार्ट है, इसके हिस्से की कटिंग चल रही है। बाकी ड्रेनेज वॉल का मैंने आपको बताया था, इसकी भराई इस पोजीशन तक आ चुकी है। तो शटरिंग का काम भी यहाँ चल रहा है। और यहाँ पे इस वक्त ये मशीनरी लगी हुई है और एक हिस्से की कटिंग कर रही है। ये अगर आप देखें, ये जैकहैमर मशीन इस वक्त काम कर रही है और ये इस पूरे हिस्से को काट रही है। ये पुराना परनाला है, इसको काटा जा रहा है और नया नाला इसके साथ बिल्कुल बनाया गया है। बाकी ये इसकी आज की पोजीशन है। ये ऊपर फ्लाईओवर और ये इसकी यहाँ की पोजीशन है। ये सामने रास्ता समामा से आ रहा है, इस पर रोलर लगा हुआ है, मिट्टी की कंपैक्शन चल रही है। बाकी यहाँ पे कुछ मिट्टी वगैरह रखी हुई थी जिसको उठाने का काम इस वक्त चल रहा है। ये अगर आप देखेंगे, इसको मिट्टी उठाने का काम इस वक्त यहाँ चल रहा है। मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है, काम चल रही है। ये सराउंडिंग के इसके व्यूज़ हैं। आज ही मुख्तलिफ पार्ट पे मुख्तलिफ जगहों पे काम हो रहा है, लेबर काम कर रही है। आज अंडरपास का इफ्तिताह हुआ है, पूरा एक महीना हो चुका है। 21 अगस्त को इसको ओपन किया गया था आवाम के लिए और आज इसको पूरा एक महीना हो चुका है। मैं कोशिश करूँगा इस पूरे अंडरपास के मज़ीद व्यूज़ रोड के मैं आपको दिखाऊं। ये रास्ता जौहर चौरंगी से समामा की तरफ जा रहा है। इस हिस्से पे काम की पोजीशन थोड़ी सी स्लो है, बाकी दूसरे पार्ट्स पे काम चल रहा है, सर्विस रोड वगैरह पे। इस पे थोड़ा सा हल्का है काम। इस सामने बसेरा अपार्टमेंट्स और बसेरा मार्केट है। बाकी ये क्योरिंग इसकी की गई है, इसकी भराई की गई थी, कल भी मैंने आपको वीडियो इसकी दिखाई थी। ये पोजीशन आपके सामने है। ये चेजब से आने वाला रोड है, सामने आपको चेजब दिख रहा होगा। ये पोजीशन अभी तक वैसी ही है। तकरीबन इस बात को भी एक हफ्ता हो चुका है। बाकी ये रास्ता सामने वापस जौहर मोड़ पटन चौक की तरफ जा रहे हैं। ये बीच में इन्होंने फ्लाईओवर के नीचे कुछ कंक्रीट करके इसको कवर किया है। इस हिस्से को कंक्रीट करके कवर किया गया। मेरी यहाँ पर अभी एक इंजीनियर से बात हुई है जो इस प्रोजेक्ट पे डिप्यूट है। उसने मुझे बताया कि ये प्ले लैंड एरिया बनाने की फ़िलहाल यहाँ पे पोजीशन है। शुरू में यहाँ पे ये आ रहा था कि ये पार्किंग एरिया टाइप का बनाया जाएगा ताकि इंक्रोचमेंट के हवाले से इस एरिया को सेफ किया जा सके। ये पूरा इलाका कवर कर दिया गया है। बाकी सराउंडिंग के जो हैं, सर्विस रोड और मेन रोड में आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ, वहाँ पर फिलहाल कोई प्रोग्रेस नहीं है। जो ये हिस्सा रह गया था इसकी भराई कर दी गई है। अभी मैं आगे चलता हूँ, एक और पार्ट है जिस पे काम चल रहा है, उस पोजीशन को भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस हिस्से की वीडियो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, जब इस हिस्से की कटिंग हो रही थी तो सब मैंने आपको बताया था कि इस रोड को चौड़ा करने की वर्किंग हो रही है। ये सामने से रास्ता जौहर मोड़ और परफ्यूम चौक सिटी बे की तरफ से आ रहा है और ये वापस
फ्लाईओवर के ऊपर और साथ में ये जौहर चौरंगी की तरफ चला जाएगा। इस हिस्से पे दो तीन दिन से काम चल रहा है। ये डिवाइडेशन लाइन है, इसको नीचे कंक्रीट कर दी गई है, अब इसके ऊपर स्टील बाइंडिंग की जाएगी। और डिवाइडेशन लाइन जिस तरह दूसरे पार्ट पे काम किया गया है सेम शटरिंग लगा के इस हिस्से की भी भराई की जाएगी। ये सामने से रोड जौहर मोड़ के इस तरफ आ रहा है। ये आपके सामने यहाँ की पोजीशन है। ये पेवर्स लगाए गए हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। ये फ्लाईओवर यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है। ये रास्ता सामने बसेरा मार्केट जौहर चौरंगी उस तरफ को जा रहा है। ये यहाँ की पोजीशन है। ये पेवर्स लगाए गए हैं। ये आज तक की यहाँ की प्रोग्रेस है। इस पोजीशन पे काफ़ी हद तक काम किया गया है दो दिन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। किसी भी किस्म की कमेंट्स लिखने हो तो वो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई एडवाइस करनी हो आप कर सकते हैं। शुक्रिया।